हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये घनघोर पूजा का मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है स्पेशली घनघोर पूजा के लिए। तो आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो अपने फेस को पहले अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ज़ेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन, तो इससे मैं अपने पूरे फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बायोटिक का लिप बाम। देन प्राइमर के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मिस क्लेयर का प्राइमर, तो इसे अपने पूरे फेस से अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए यहाँ पर मैंने लिया है लैक्मे का 925 फाउंडेशन इन द शेड नेचुरल बेज, तो इस तरीके से मैं अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी इसे। एंड डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, तो शेड वगैरह की जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर ले। तो यहाँ पर मैंने अपने माउथ के कॉर्नर में एंड चिन पे, क्यूपिड्स बो पे, ब्रिज ऑफ माय नोज़ पे, फोरहेड पे एंड अंडर आई पे इसे अप्लाई कर लिया है। एंड डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं इसे भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। देन नोज़ के कॉर्नर पे भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ी सी यहाँ की एरिया जो है डार्क लगती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड वेल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट, तो इसमें से लाइटर शेड पिक कर रही हूँ एंड अपने जहाँ भी कंसीलर अप्लाई किया है उन एरियाज़ को मैं सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से। देन आईब्रो के लिए यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड वेल्ड का आईब्रो। अगेन यहाँ पर मैंने वेट एंड वेल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट लिया है, तो इससे मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज कर लूँगी। लाइक यहाँ पर मैं इसे अपने फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ, अपनी जॉ लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड अपने चीक्स को थोड़ा सा शेप दे दूँगी एंड नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी। ब्लशर के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का ब्लशर, तो इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में मैं ये ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एंड नोज़ पे भी अप्लाई कर लूँगी। हाइलाइटर के लिए यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, तो इसे हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माय चीक्स पे, क्यूपिड्स बो पे, नोज़ पे, चिन पे एंड फोरहेड पे अप्लाई करूँगी एंड आईब्रोज़ के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। अभी यहाँ पर मैंने लिया है कंसीलर, तो आई मेकअप शुरू करने से पहले अपने आईज़ को मैं प्राइम कर लूँगी। तो कंसीलर यहाँ अप्लाई किया है, देन डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है एंड अगेन यहाँ पर मैं इसे सेट कर लूँगी। वेट एंड वेल का कॉन्टोरिंग पैलेट है जिसमें से लाइटर शेड जो है, तो उससे मैं सेट कर लूँगी इसे। एंड आई मेकअप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एनके का पॉइजन एप्पल पैलेट, तो इसमें से रेड शेड ले रही हूँ एंड अपने क्रीज के अबव मैं इसे अप्लाई कर लूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। तो इसे मैं अपने क्रीज पे एंड क्रीज के अबव बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी, ब्लेंड कर लूँगी एंड एक ही शेड ले रही हूँ ये मैं एंड इसे अपने आउटर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई कर लूँगी। तो आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा डार्क रखूँगी ताकि मेरी आईज़ को थोड़ा सा डायमेंशन मिल जाए एंड ऊपर की तरफ इस तरीके से ब्लेंड भी कर लूँगी। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन यूज़ करना है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है।
तो क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही शेड अप्लाई किया है, तो आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा लेके डार्क कर लूँगी। देन यहाँ पर गोल्डन शेड पिक किया है, इसे अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी। तो पहले ब्रश की हेल्प से मैंने कोशिश की, बट बिल्कुल भी पिक नहीं हो रहा था। देन यहाँ फिंगर की हेल्प से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, तो इसे अपने पूरे लिड पे अप्लाई कर लूँगी। तो फिंगर की हेल्प से ये जो शेड है बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई हो रहा था एंड कलर पिगमेंटेशन बहुत अच्छा आ रहा था इसका। तो इसे मैंने अपने पूरे लिड पे अप्लाई कर लिया है। देन अगेन यहाँ पर हाइलाइटर लिया है मैंने वेट एंड वाइल्ड का, एंड इसे अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर लूँगी एंड अपने इनर कॉर्नर्स ऑफ आइज़ को भी हाईलाइट कर लूँगी। देन जो डार्कर शेड मैंने यूज़ किया है रेड वाला, अपनी लोअर लैश लाइन पे भी इसे अप्लाई कर लूँगी। एंड यहाँ पर लाइनर के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर, तो इससे मैं विंग क्रिएट कर लूँगी। एंड अपनी लोअर लैश लाइन पे भी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, तो आउटर कॉर्नर्स पे ही अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन के, पूरा अप्लाई नहीं कर रही हूँ इसे, तो सिर्फ आउटर कॉर्नर्स तक ही रख रही हूँ। देन यहाँ पर मैंने लिया है लैक्मे का आइकॉनिक काजल इन द शेड वाइट, तो इसे अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर मस्कारा के लिए मैंने लिया है मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा, तो अपनी अपर लैशेज एंड लोअर लैशेज दोनों को कोट कर लूँगी इससे। देन यहाँ पर मैं अपने फॉल्सेज अप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ पर स्विस ब्यूटी के फॉल्सेज मैंने अप्लाई किए हैं। एंड अपने लिप्स को आउटलाइन करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेबेलिन का लिप लाइनर, तो इससे अपने लिप्स को आउटलाइन कर लूँगी, शेड मरून है। देन यहाँ पर लिया है मैंने मेबेलिन का लिपस्टिक, तो बहुत ही प्यारा रेड शेड है इसका, तो इससे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे। देन यहाँ मैंने लिया है कलर बार का सिंदूर, तो ये सिंदूर अप्लाई कर लूँगी। एंड दिस इज़ द कंप्लीट एंड फाइनल मेकअप लुक फॉर गणगौर पूजा। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।